नमस्ते बालाजी हिंदी टैरो में मैं फिर से आ गई हूँ आप लोगों की स्वागत करने। मैं फिर से लेके आई हूँ एक जनरल लव रीडिंग। जो लोग ब्रो कॉन्टैक्ट या फिर सेपरेशन के सिचुएशन में हैं और जानना चाहते हैं आपकी पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या हैं, वो आपसे क्या चाहते हैं, उनका एक्शन क्या रह सकता है और यूनिवर्स जी का गाइडेंस क्या होगा, तो ये रीडिंग आपके लिए होगी। क्योंकि एक जनरल रीडिंग है तो हर बात हर किसी के साथ तो रेजोनेट नहीं करेगा। जितना भी आपके साथ रेजोनेट करता है उसको रखिए, बाकी को छोड़ दीजिए। हो सकता है बाकी रीडिंग किसी और से रेजोनेट कर जाए। अगर आप सन साइन मून साइन किसी भी साइन से अगर आप लियो हो या सिंह राशि हो तो ये रीडिंग आपके लिए होगी। ये रीडिंग होगी 30 से लेके 5 नवंबर तक की, 30 अक्टूबर से लेके 5 नवंबर तक की होगी ये रीडिंग। ये एक जनरल रीडिंग है तो इसको जनरल तरीके से भी लीजिएगा और एनर्जी वाइज वर्षा होते रहते हैं, इसका भी थोड़ा ख्याल रखिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज की रीडिंग। लियो यानी सिंह राशि, देख लेते हैं आप जिनके साथ रिश्ते में तो हो लेकिन नो कांटेक्ट या फिर सेपरेशन का सिचुएशन चला आया है, तो इस हफ्ते आप लोगों के रिश्ते की क्या स्थिति रहेगी देख लेते हैं। आपकी पहले देखेंगे आपकी पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या है। लियो यानी सिंह राशि, आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या है। लियो यानी सिंह राशि, सेवन ऑफ कप्स, स्टार के कार्ड, द सन के कार्ड। लियो की रीडिंग में लियो का कार्ड, दिस इज वेरी पॉजिटिव कार्ड। आप जिनके साथ रिश्ते में हो, कैंसर हो सकता है, एक्वेरियस हो सकता है, खुद लियो भी हो सकता है, आप भी लियो हो, वो पर्सन भी लियो हो सकता है। ये बंदा या बंदी करंटली बहुत ज़्यादा कंफ्यूज है, उनको क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए ये डिसाइड नहीं कर पा रहा है, इसीलिए ये खुद को हील करने में बिजी है, खुद को हील कर रहे हैं, ये अपना चक्रास को बैलेंस कर रहे हैं। और ये जो है रिश्ते में विक्ट्री तो चाहते हैं लेकिन किस तरीके से, क्योंकि सन का कार्ड भी आया है तो ये रिश्ते में विक्ट्री चाहते हैं। हो सकता है ये आपकी बच्चों की माता या पिता हो या फिर बनने वाले हो, या ये खुद को या आपको एक बच्चे की जैसा कंसिडर करते हैं। कभी कभी आपकी एनर्जी को ये बच्चों जैसा एनर्जी में देखता है, उनको लगता है कि आप बच्चों जैसा हरकत करते हो। कुछ भी जो भी है लेकिन ये कन्फ्यूज है, किसी भी तरीके से ये रिश्ते में आना तो चाहते हैं लेकिन खुद को हील कर रहा है। हो सकता है इन्होंने गलत किया है, इसका एहसास उनको हो रहा है और उनको ये लग रहा है कि नहीं, अभी मुझे सब कुछ समझ आ गया है, खुद को हील करना पड़ेगा और फिर इस रिश्ते में आगे बढ़ना पड़ेगा। लेकिन किसी भी तरीके से ये रिश्ते में विक्ट्री चाहते हैं और रिश्ते को आगे ले जाने के बारे में सोच रहे हैं करेंटली। और कुछ लोगों के लिए ऐसा भी हो सकता है कि इनके पास और भी ऑप्शन है, तो इन्होंने हो सकता है अगर पहले आपको एक ऑप्शन की तरह ट्रीट किया था, तो अभी इस बात से इनको भी इल्म है कि इन्होंने आपको पहले एक ऑप्शन का तरह ऑप्शन की तरीके से ट्रीट किया था, लेकिन असल में आप जो हो आप एक अलग तरीके की इंसान हो, इस बात का एहसास उन्हें हुआ है, इसीलिए ये खुद को हील कर रहे हैं और किसी भी तरीके से रिश्ते में वापसी चाहते हैं विक्ट्री के साथ। अभी देख लेते हैं ये आपसे क्या उम्मीद कर रहे हैं, आपसे क्या चाहते हैं। लियो यानी सिंह राशि, देख लेते हैं आपकी पर्सन आपसे क्या उम्मीद कर रहे हैं और आपसे क्या चाहते हैं। आप जिनके साथ रिश्ते में हो वो लियो भी हो सकता है, कैंसर हो सकता है, एक्वेरियस हो सकता है। आगे आगे देखते हैं और किस किस राशि के कार्ड आते हैं, देख लेते हैं ये आपसे क्या चाहते हैं, ये पर्सन आपसे चाहता क्या है, या फिर ये खुद से भी ये चाह सकते हैं, देख लेते हैं। हामेट कोई वर्गो हो सकता है, सन साइन या मून साइन से वो बंदा या बंदी आप खुद वर्गो हो सकते हो। टू ऑफ कप्स, टावर, ये बंदा या बंदी जो भी है जिनके साथ आप रिश्ते में हो, ये चाहते हैं कि आप जो अपने अनुभव से जो चीज़ों को समझने की कोशिश कर रहे हो या फिर आपके पास जो समझ है उस समझ को आप क्यों काम पर नहीं लगा रहे हो, ये आपको बहुत ज़्यादा
समझदार इंट्यूटिव समझ रहा है, हो सकता है आप लोगों का रिश्ता बहुत पुराना रिश्ता है, तो ये बंदा या बंदी आपसे उम्मीद कर रहा है कि आपने अचानक से इस रिश्ते में ऐसे डिस्टेंस क्यों मेंटेन कर लिया, अचानक से ये डिसीजन क्यों ले लिया, पहले तो आपको लगता था कि ये आपका सोल कनेक्शन है, या फिर ये खुद ये महसूस कर रहा है कि इन्होंने जिस कनेक्शन को इतना इग्नोर किया, ऑप्शन की तरह आपको ट्रीट किया, असल में ये तो एक सोल कनेक्शन है। सडन कोई ऐसा कोई कुछ घटा जिससे उनको इस बात की इल्म हुआ है, इस बात की एहसास हुआ है कि उन्होंने जो आपको जो एक ऑप्शन का ऑप्शन की तरीके से ट्रीट कर रहा था, लेकिन असल में आप इनके सोलमेट हो और ये बात ये अपने अनुभव से महसूस कर रहे हैं और आपसे भी ये उम्मीद करते हैं कि आप भी इस बात को महसूस करो, अचानक से कोई डिसीजन ना लो, क्योंकि ये टू ऑफ कप्स के कार्ड आए हैं, इनका जो इमोशन है ये आपके तरफ बढ़ रहा है और उनको लग रहा है कि आप उनके सोलमेट हो। इस बात का पता उनको तब चला जब ये आपसे दूर गए, क्योंकि ये रिश्ता पुराना रिश्ता है, ये दूर रह के हर चीज़ को ऑब्जर्व कर रहे थे, तब अचानक कुछ ऐसा हुआ उनके मन में, तब उनको पता चला कि ये रिश्ता जो है कोई मामूली रिश्ता नहीं है और ये रिश्ता कोई नया रिश्ता भी नहीं है, तब उनको लगा नहीं ये सोल कनेक्शन है और हमें इस कनेक्शन को इस तरीके से निभाना चाहिए। कम से कम इस हफ्ते तो उनका यही अनुभव अनुभूति रहेगा और आपसे भी इस बात की वो उम्मीद रखते हैं कि आप भी इस रिश्ते को एक सोल कनेक्शन की तरह ही देखो। अभी देख लेते हैं इनका एक्शन क्या रह सकता है। लियो यानी सिंह राशि, आप जिनके साथ रिश्ते में हो उसकी उनकी एक्शन क्या रहेगी इन दिनों, जो वक्त मैंने बताया 30 से लेके 5 नवंबर तक की जो वक्त है इसमें उनका एक्शन क्या रह सकता है। बहुत अच्छा, जैसा कि मैंने कहा, जैसा कि कार्ड आया है आप खुद ही कार्ड देख लो, द हैंगमैन के कार्ड, एस ऑफ सोर्स के कार्ड, एट ऑफ वॉन्ड्स के कार्ड। ये बंदा या बंदी जैसे पहले रिश्ते को देख रहा था उस तरीके से अभी ये नहीं देख रहा है रिश्ते को, तभी इनको ये एहसास हुआ अचानक कुछ ऐसा घटा उनकी लाइफ में जिससे ये खुद को हील भी कर रहे हैं और रिश्ते को समझने की भी कोशिश करेगा इस पूरे हफ्ते में। और हैंगमैन की कार्ड आया है, पहले ही ये रिश्ते को जो जैसा चल रहा था चलने देने के बारे में सोच रहा था, लेकिन अचानक से उनमें क्या हुआ, क्योंकि टावर के कार्ड आए हैं, अचानक से कुछ परिवर्तन आ गया है उनके मन में, कुछ ऐसा घटा या फिर अपने अनुभव से चीज़ों को समझने की कोशिश कर रहा है ये बंदा, क्योंकि उनको पता लग गया है ये जो हीलिंग की प्रोसेस जो उनका चल रहा है, अभी उनका हीलिंग चल रहा है, तो ये बंदा महसूस कर पा रहा है कि इन्होंने आपके साथ क्या गलत किया है। तो अगर मैं कहूँ इनका एक्शन क्या रहेगा, ये रिश्ते को दूसरी नज़र से देखेंगे, हो सकता है ये आपको टेक्स्ट कॉल या मैसेज करे, बहुत सारा कम्युनिकेशन करना चाहेंगे, किसी किसी के लिए मिलने आ सकते हैं, क्योंकि बहुत परेशानी इन्होंने देखा, आपने भी देखा होगा, तो इसके बाद जिसका भी एनर्जी आ रहा है बहुत क्लियर, बहुत अच्छी एनर्जी है। ये सब सोर्स के कार्ड आए हैं, बहुत परिश्रम के बाद, बहुत झंझट के बाद धीरे धीरे उनमें वो क्लैरिटी आ रहा है और वो एक्शन लेने के बारे में सोच रहा है। हो सकता है ये कम्युनिकेट करे आपसे फिजिकली, किसी किसी के लिए अगर नहीं हुआ तो डिजिटली ये ज़रूर कम्युनिकेट करने की कोशिश करेंगे और किसी के लिए तो फिजिकली भी ये मिलने आ सकते हैं, क्योंकि इनमें एक सडन चेंजेस आया है जिससे ये महसूस कर रहा है कि जिस रिश्ते को ये ऑप्शन की तरह, जिस इंसान को ये ऑप्शन की तरह ट्रीट कर रहे थे, असल में यही उनके सोल कनेक्शन है। हो सकता है किसी और रिश्ते की वजह से इन्होंने आपको एक ऑप्शन की तरीके से ट्रीट किया था, लेकिन जो होते हैं ना सोल की जो वैकनिंग होते हैं ना, सोल का जो जागरण होता है, मतलब अंदर आत्मा की जो
उकार होते हैं क्योंकि स्टार के कार्ड भी आए हैं। तो ये बंदा फिर से अपने आप को टटोल रहा है, क्या उन्होंने सही किया था आपके साथ, इस बात का इल्म उन्हें हुआ है और वो एक्शन लेने के बारे में जरूर सोचेंगे। हो सकता है एक्शन लेगा भी, ज़्यादातर लोगों के लिए एक्शन तो लेना ही चाहिए। अगर कोई फिजिकली नहीं आ पाएगा, फिजिकली भी मिलने आ सकते हैं, बोल सकते हैं, तो डिजिटल कम्युनिकेशन तो ये जरूर करेगा, बहुत सारी बातें करेंगे, हार्ट टू हार्ट कम्युनिकेशन करके चीज़ों को सही करने की कोशिश जरूर करेंगे। अभी देख लेते हैं यूनिवर्स जी क्या कहना चाहते हैं। टेन ऑफ कप्स, थ्री ऑफ सोर्ड्स, नाइट ऑफ पेंटिकल्स। यूनिवर्स जी आपसे यही कह रहा है कि अगर आपको अपनी परिवार चाहिए तो आपका जो दिल टूटा हुआ है, परेशानी है, जिस बात से दुखी हो, परेशान हो, उस चीज़ को आपको भूलना पड़ेगा। धीरे धीरे ये रिश्ता स्टेबिलिटी की तरफ जाएगा, इसके लिए आपको थोड़ी पेशेंस रखनी पड़ेगी। ऐसा नहीं कि आज ही उनको एहसास हुआ, कल ये सब कुछ भूल जाएंगे, सब कुछ छोड़ देंगे। अगर किसी के साथ इनका रिश्ता था भी, अभी भी हो सकता है, लेकिन ये बहुत जल्दी जल्दी सब कुछ कर देंगे ऐसा नहीं है। उनको परिवार, प्यार, ये सब चीज़ याद आ रहा है और धीरे धीरे ये आएगा भी, होगा भी, लेकिन इसके लिए आपको पेशेंस रखनी पड़ेगी। न्यू बिगिनिंग तो होगा, लेकिन ये एक दिन में हो सकता है नहीं हो, लेकिन एक दिन जरूर होगा, इस बात की उम्मीद के साथ आपको चलना पड़ेगा। और आपको उनकी जो थॉट्स है, उनकी जो एक्शन है, उनका जो आपकी प्रति उनका जो एक्शन है, उसको भी सम्मान करना पड़ेगा। क्योंकि टेन ऑफ कप्स तभी मिल सकता है जब आप मिलके एक होने के बारे में सोचो, मिलके रिश्ते को सही करने के बारे में सोचो, तभी एक कंप्लीट चीज़ें होता है परिवार। जो लोग परिवार में नहीं है, वो परिवार बनाने के बारे में कभी तो सोचा होगा, तो उसके लिए आपको म्यूचुअल एक्शन की ज़रूरत है। ऐसा नहीं कि इनकी तरफ से ये कोशिश कर रहा है, आपको टेक्स्ट कर रहा है, कॉल कर रहा है, मैसेज कर रहा है, लेकिन आप रिप्लाई नहीं कर रहे हो, आप उनको ब्लॉक करके रखे हुए हो, तो ये चीज़ जैसे स्लो चल रहा था वैसे ही चलेगा। अगर किसी और के वजह से अभी भी आप अपने दिल को तोड़ के बैठे रहोगे तो ये आपकी गलती होगी। किसी और के वजह से नहीं, पहले आप अपने दिल की मरहम लगाओ, खुद की दिल की केयर करो। मतलब आप जो दुखी हो, जो परेशान हो, उस बात का एहसास आप अपने दिमाग से निकाल दीजिए। आपको वो धीरे धीरे भूलना पड़ेगा, तभी आपको टेन ऑफ कप्स की एनर्जी आप में आएगी। जब तक आप उस बात को अपने दिल से लगा के बैठे रहोगे, तब तक आप उस प्यार को नहीं महसूस कर पाओगे, उस रिश्ते को नहीं महसूस कर पाओगे। अगर आपको कुछ नया करना है, नया पाना है, रिश्ते में नयापन लाना है, फिनेंशियल स्टेबिलिटी, रिश्ते में स्टेबिलिटी, तो इसके लिए आपको इंतज़ार करना पड़ेगा। और जो दुख, जो परेशानी, आपके जो दर्द आपके दिल में है, उसको आपको धीरे धीरे निकालनी पड़ेगी। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और वीडियो देखते रहिए।